नमस्कार, मी अनंत कौशाल्य। तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय शिकणार आहोत बघा, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मॅथेमॅटिक काय असतं हे शिकणार आहोत। ओके, मॅथेमॅटिक क्वेश्चन, ओके सर, हे मॅथेमॅटिक क्वेश्चन सर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये सॉल्व्ह करणार आहोत। बास समजलं ना काही आगायच फाइंड द, ओके द क्वेश्चन ऑफ मॅथेमॅटिक म्हणजे गणित या ब्रांच मधला सर इंटिग्रेशनचा क्वेश्चन आहे। ओके, डी एक्स का मतलब क्या होता है, इंटिग्रेशन होते हैं। ओके, यानी कि बाबा जी यहाँ पे क्या होते हैं, टाइम जो होता है टाइम, ओके टाइम हाँ मल्टीप्लाई में होता है, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में टाइम बाय में होता है, और इधर क्या होता है, इधर टाइम हाँ मल्टीप्लाई में होता है। ओके, देखो एज इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना। बात समझ में आ रही है, आ रही है सर। ओके, तो ये क्वेश्चन सर आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इधर टाइम मल्टीप्लाई में दिया है हमको, डीएक्स निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगी, फाइंड 10 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5, सॉल्व dx। यानी कि इंटीग्रेशन हमको निकालना है, इसका सॉल्व हमको dx करना है। तो यह क्वेश्चन हम मैथमेटिक के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके जी, ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे हम x इक्वल टू, ओके x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। ओके, हमको ये दिया है क्वेश्चन में, ओके x इक्वल टू 0 हमको दिया है, लिखा हमने, हमको x फाइंड करना है। ओके, हमको dx फाइंड करना है, हमें dx को क्या मान, x मान। ओके, तो x इक्वल टू 0, ओके बात समझ में आ रही है सर, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 हमने इधर लिख लिया। ओके, और हमको मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, ओके हमको ये लिखेंगे इधर यहाँ पे 10x माइनस 3x स्क्वायर, ओके प्लस 2x प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर हमको यह दिया है। ओके, हमको सॉल्व करना है सर, किसके फॉर्म में सॉल्व करना है सर हमको, यह हमको बुआजी dx के फॉर्म में सॉल्व करना है, यानी कि इंटीग्रेशन के, नॉट डिफरेंशिएशन। ओके, इधर टाइम मल्टीप्लाई में, ओके इट इज द इंटीग्रेशन के फॉर्म में बोल जाए, हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है, तो बुआजी तो चलो सॉल्व हम करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे हम, तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उधर एक प्लस होता है। ओके, क्या होता है बुआ जी, डिफरेंशिएशन में एक प्लस होता है। ओके, तो हम इधर प्लस करेंगे, चलो क्लियर, यहाँ पे बुआ जी 1 प्लस होगा और यह 3 नीचे आएगा। ओके, जो बुआ जी ऊपर जो संख्या बढ़ेगी, ओके जो अंक बुआ जी प्लस हो जाएगा वही नीचे आएगा। यहाँ पर क्या होगा बुआ जी, यहाँ पर 1 प्लस होगा, 1 प्लस 1 बाय 2, ओके इधर 1 प्लस होगा बाय 3, समझ में आ रहा है सर जी, इधर 1 प्लस 1 होगा सर जी। ओके, अरे हाँ या ना, तो बाबा बाय 2 में आएगा, उधर प्लस 1 होगी बाय 3 में आएगा, इतना समझ में आ रहा है सर जी। यानी कि बुआ जी क्या होता है इसमें, इसमें होते बुआ जी 1 प्लस होता है। ओके, इसमें क्या होता है 1 प्लस होता है। ओके, तो हम लिखेंगे, ओके 10x इधर 1 होता है, 1 प्लस होता है, ओके इधर 10x स्क्वायर होता है, ओके तो 1 प्लस झालं, आणि जी वर्ड संख्या जी खाली आली सर, इधर स्क्वायर आला खाली 3 आला। ओके, समझ में आ गया इतना जी, ओके जी, ओके समझ में आता है सर। चलो प्लस 3x स्क्वायर बाय सॉरी क्यूब बाय 3, ओके बात समझ में आ रही सर, आ रही। तो हम इससे यह काटेंगे, कट दिया कट दिया कट दिया, चलो कट दिया कट दिया कट दिया। ओके, क्लियर है ना, क्लियर सर। और सर यहाँ पे 2 आएगा सर जी, वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा गलत हाथ हो गए, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया इधर सर जी। तो वो इधर हमने हमने क्या क्वेश्चन लिखा, 10x माइनस 3x स्क्वायर, ओके प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर, ओके इतना समझ में आ गया सर। ओके, तो वो इस 2 में 1 प्लस होगा और वो 3 नीचे आएगा, इतना समझ में आ गया, इधर हमने बताया था। ओके, अब तो सॉल्व करें मेन क्वेश्चन, क्या सॉल्व करेंगे, मेन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, क्लियर सर जी, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इधर 10x, ओके 10x प्लस 3x स्क्वायर, कैसे आ समझ में आ गया, यहाँ पर 1 प्लस हो गया और वही 3 नीचे आया, क्लियर है ना, क्लियर सर जी, क्लियर। ओके, इतना समझ में आ गया सर जी, क्या क्या लिखा हमने यहाँ पर, जो संख्या बुआ जी ऊपर जी आएगी, बुआ जी वो संख्या जो ऊपर आएगी वही हम संख्या नीचे लेंगे, क्या लेंगे सर, यहाँ पे 3 लिया, 3 नीचे भी लिया, इधर 2 लिया, 2 नीचे भी लिया,
तिनल्या तिने चेबिल्या, दुल्या दुली चेबिल्या, ओके तीन उपरल्या तिने चेबिल्या, बस समझ बाहर द इंटीग्रेशन तो सॉक पर दो काटो इसको इसको काटो इसको काटो इसको काटो काट दो काट दो काट दो दो आएगा ओके और ये काट दिया हमने क्लियर ना समझ में आया ओके जी काट दिया चलो तो सॉल्व करेंगे वो हमको एक्स कितना दिया है हमको एक्स 0 to 5 दिया है जीरो की वैल्यू नहीं होती इसलिए एक्स इक्वल टू 5 लिखेंगे बात समझ में आ गई आ गए सो चलो इनटू 5 करेंगे और फिर प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस 5 का क्यूब सर ओके 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का काय सर क्यूब प्लस 2 इनटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब अरे ता समझ में आ रहा है सर जी क्या क्या हुआ आप यहाँ पे वो आज 5 into 10 into 5 माइनस 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब प्लस 2 इनटू 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब आप स्क्वायर है ओके क्लियर ना क्लियर सर जी कितना समझ में आ रहा है सर जी मैथमेटिक बहुत कठिन सब्जेक्ट है मैथमेटिक कोई बच्चों का खेल नहीं बोझ मैथमेटिक पढ़ाना ओके बात समझ में आ रही सर आ रही चलो बहुत कठिन बुआ जी क्वेश्चन है और बहुत कठिन ब्रांच बुआ जी साइंस की मैथमेटिक हमारी बहुत कठिन है आपको इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको तभी समझ में आएगा सर जो कि मैथमेटिक का फीलिंग का सब्जेक्ट है ओके जब तक फील नहीं आएगा तब समझ में नहीं आएगा इसलिए वो जी मैथमेटिक की पढ़ने की फीलिंग बनाए रखो आप तब वो आपको समझ में आएगा मैथमेटिक कितना समझ में आ गया ओके चलो जो ओके क्लियर ना समझ में आ गया इतना ओके जो चलो हम कट करेंगे अरे तो समझ में आ रहा है सर जी आ रहा है तो चलो आप क्या करें वो ये हम ऊपर लिखेंगे ओके यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम सर ये हम ऊपर लिखेंगे ऊपर लिखेंगे ओके तो आज 10 into 5 कितना होता है वो होता है 50 ओके कितना होता है 50 50 मान हमको कितना होता है बोल जी 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब हमको पता है 125 होता है ओके प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बोल जी 25 होता है ओके बात समझ में आ रही है सर जी फिर माइनस है क्यूब है इसका कितना है 125 फिर वो आज स्क्वायर यानी कि 2 into 25 15 ओके प्लस 125 आंसर आएगा बबू आज हम 125 50 गेले कितना का सर 75 65 प्लस 25 माइनस 125 ओके माइनस 125 प्लस 50 प्लस 125 क्लियर है ना क्लियर सर चलो बाजी इधर आगे 100 माइनस 125 प्लस 50 प्लस 125 क्लियर है ना बात समझ में आ रही थी मैथमेटिक बबू आज ये कट करके सर नीचे का क्लियर है ना क्लियर सर जी बबुआ इधर आ गया बुआ जी कितना यहाँ पे सर जी आएगा 100 माइनस 250 प्लस 50 इजिकल टू माइनस 300 ओके बात समझ में आ रही सर जी इधर आएगा जी आंसर 200 ओके डीएक्स बात समझ में आ गई सर जी यह सर हमारा आंसर आएगा This is the main answer, sir. जी, okay, this is the mathematics वो जी इसलिए आप रटा मत करो भाई समझ की समझने की बात है ओके मैथमेटिक्स वो आपको कैलकुलस आना पड़ेगा ब्रांच ऑफ कैलकुलस वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ब्रांच किसकी कैलकुलस की ब्रांच है ओके इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बुआ जी यही सब आपको इंजीनियरिंग में पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैकेनिक्स में ओके बात समझ में आ गई सर चलो कितना आ गया आंसर आ गया मुझे dx इक्वल टू 200 ओके कितना आ गया 200 आ गया बात समझ में आ रही है आ रहा है dx ओके हमें ds निकालना था अब निकाल dx इक्वल टू 200 आ गया क्लियर ओके जी ओके चलो समझ में आ गया मैथमेटिक आ गया सर चलो छापो इतना और लाइक करो वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को ओके ओके सर जी ओके धन्यवाद